अब मैं निकालने को बोलूंगी, पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ, जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिवीजन। ठीक है, पाए वाला जो चीज है वो आपको आपके सिलेबस में ही नहीं है। ओके, तो पहले आप इतना सीख लो कि आपको निकालने के लिए दो चीजों की टर्म, दो नीड की मतलब दो नंबर्स की नीड होती है। अगर इफ यू हैव अ रेंज ऑफ नंबर्स, तो रेंज ऑफ नंबर्स के लिए आप क्या करोगे, आप स्टार्टिंग के 3 को ले लो पहले, और उसके बाद एंडिंग के 3 को, या फिर दो दो करके ले लो, या फिर मैंने आपको कल बताया था कि जहां पर भी रेंज ऑफ नंबर्स होते हैं, अगर आपको वहां पर सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या, कौन सा टर्म यूज करोगे, आप यूज करोगे बॉड मास। ठीक है, आप बॉड मास यूज करोगे। बॉड मास यूज करने के बाद आप पहले ये चेक करना पड़ेगा, पहले मैं इसका एडिशन करूँ, सब्ट्रैक्शन करूँ या मल्टीप्लीकेशन करूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आप इनके अकॉर्डिंग आप इनके ब्रैकेट्स बना सकते हो। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि बेसिक डिवीजन कैसे करते हैं। मैंने आपको फिर बता रही हूँ, आपको सिर्फ दो नंबर्स की नीड होती है, आई एम राइटिंग ओवर है। ठीक है, एंड इफ आई वांट टू डिवाइड 89 बाय 67, व्हाट आई विल बी राइटिंग, व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 89, जेड 56, ओके, डिवाइडेड बाय जेड 55, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट द आंसर, दिस इज द आंसर 1.3। नाउ यू कैन जस्ट मैच इट विद योर कैलकुलेटर ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द डिविजन दैट सेशन ऑल्सो। ओके, सो नाउ आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग माई स्क्रीन एंड वी आर गोइंग टू द PDF फाइल नाउ। ओके, सो वी हैव टुडे वी हैव कंप्लीटेड वन मोर सेशन। ओके, यस, सो लेट अस सी द अनदर सेशन। यस, सो इन सेशन नंबर 8 टिल यस्टरडे, इन यस्टरडेज क्लास वी हैव कंप्लीटेड टिल सेशन नंबर 7, राइट, बेसिक कैलकुलेशंस, एंटरिंग फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लीकेशन। बट इन टूडेज क्लास वी हैव कंप्लीटेड सेशन नंबर 8, दैट इज बेसिक कैलकुलेशन, एंटरिंग फॉर्मूला फॉर डिविजन। ठीक है, डिविजन मैंने आपको करना बता दिया, यहाँ पे इन लोगों ने लिया ए वन और ए टू को डिवाइड करा है। ठीक है, इसमें उन्होंने कोई नंबर लिखा होगा, वो लिख के आ गया है। ओके, इन्होंने 12/4 किया है। ओके, और फिर जो इन्होंने लिखा है ए वन अपॉन ए टू, यू कैन सी इन द पिक्चर, आई एम जूमिंग इट, यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज 12/4, दैट इज A1/A2, और जैसे वो एंटर पे क्लिक करेंगे उनकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। पाए वाली कैलकुलेशन बेटा 10th में मिलेगी आपको, यहाँ नहीं मिलेगी। अगर आपने मुझसे 10th में पढ़ा तो यू कैन यूज ओवर देयर। ओके, यहाँ पर हम अपना सिलेबस कर ले, वही बड़ी बात है। और आपको पता है कि कंप्यूटर में सिलेबस कम नहीं हुआ है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में कम हो गया, बट कंप्यूटर में उतना ही है, तो वी हैव टू कवर इट वेरी स्पीडली। ओके, सो नाउ सेशन नंबर 9 इज बेस्ड अपॉन यूजिंग फंक्शंस। ओके, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड सेशन नंबर 8 एंड आफ्टर सेशन नंबर 8 देयर इज सेल्फ असेसमेंट। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग अप विद सेशन नंबर 9, दैट इज यूजिंग फंक्शंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? फंक्शंस आर डिनोटेड बाय सम, SUM, काउंट, COUNT, एवरेज, AVERAGE, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, तो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग सम डिफरेंट रेंज फॉर्मूलाज। ठीक है, बाय यूजिंग रेंज फॉर्मूलाज वी विल बी कैलकुलेटिंग सम नंबर्स। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको रेंज रेंज का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? रेंज मीन्स दैट इन अ पर्टिकुलर कॉलम देर आर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स रिटन। ठीक है, एक कॉलम के अंदर डिफरेंट नंबर्स अगर लिखे हुए हैं तो उनको हम बोलेंगे रेंज। फिर वो कितने भी हो सकते हैं, मतलब दो से तो ज्यादा ही होने चाहिए, बट दो तक आप अगर आप मानते हो तो वो रेंज में कंसीडर नहीं होगा, दो से ज्यादा होने चाहिए हमेशा। ठीक है, तो वो रेंज के अंदर कंसीडर होगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज बेस्ड अपॉन फंक्शन नेम फॉलोड बाय आर्ग्यूमेंट्स ईच सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन द नॉर्मल ब्रैकेट्स वी कैन यूज फंक्शन। फंक्शन में देयर आर डिफरेंट फंक्शंस, दीज आर सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, आई एम जूमिंग इट। सो नाउ द सेकेंड थिंग इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट रिफर्स टू द वैल्यू पास टू अ फंक्शन। इट कैन बी वर्ड, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि मैं आपको सेल एड्रेस लिखवाती हूँ। ठीक है, तो सेल एड्रेस इज जस्ट द एड्रेस, ठीक है, जो सेल को डिनोट करता है। इसी तरह से अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें तो आर्ग्यूमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी? दीज आर्ग्यूमेंट्स आर नॉर्मली गिवन विद इन नॉर्मल ब्रैकेट्स। आर्ग्यूमेंट को हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन जो होता है वो आर्ग्यूमेंट से फॉलोड अप होता है। अब मैं आपको जब फॉर्मूला लिख के बताऊंगी तब मैं बताऊंगी आर्ग्यूमेंट कौन से होते हैं उसमें। ठीक है,
तो सम कॉमनली यूज फंक्शंस आर सम काउंट एवरेज वी हैव स्टडीड इट अर्लियर आल्सो ठीक है फॉलोड बाय आर्ग्यूमेंट्स ईच सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन द नॉर्मल ब्रैकेट्स नाउ वी विल कंसीडर आई एम शेयरिंग द दैट स्प्रेडशीट स्क्रीन अगेन आई एम स्टॉपिंग इट एंड आई एम शेयरिंग इट अगेन Now it will be more clear to you कि practical में कैसे करते हैं So now you are able to see the screen. There are the different numbers written. ठीक है 5, 6, 8, 9, 36, 78. So let us calculate the sum of all these numbers. So yesterday I told you that how do we write the formula for sum? Equal to what I should write? Equal to if I want to calculate the range of this whole B. From 5 to 78 if I want to sum it all. No beta sum formula. If I want to sum it all. Yes. Yes. Very good. Bracket. Then. B55. Very good. Uske baad ratio. Very good. Ratio we have to put. And then what? What is the last term we have to write B? 60. Or then we have to close the bracket. ठीक है सो यू कैन सी देयर आर हाइलाइटेड बॉक्सेस देयर ठीक है आप हाइलाइटेड बॉक्स को देख सकते हो अब मैं इसमें बताती हूँ कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या होता है बेटा म्यूट योर माइक फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या होता है फंक्शन तो होता है इतना पार्ट ये जो मैंने सेल एड्रेस के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है ये होता है फंक्शन और इसके आगे ब्रैकेट के बाहर जो लिखा होता है SUM करके जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे आर्ग्यूमेंट तो मतलब अगर नहीं लिखा है तो फिर आपका कैलकुलेट नहीं पाएगा अगर आपने इस टू साइन लगाए हैं बीच में तो वैसे तो कैलकुलेट हो जाएगा अगर आप प्लस लगा देते हैं यहाँ पर सबके बीच में तो आपको इंडिविजुअली सेल के सारे नेम्स लिखने पड़ते हैं इस तरह से ठीक है बट यहाँ पे मैं इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ मैं पूरी रेंज कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ सो आई एम प्रेसिंग नाउ एंटर एंड नाउ यू कैन सी द ओवरऑल सम ऑफ दिस रेंज इज 142 ठीक है यू कैन यूज द कैलकुलेटर एंड यू कैन क्रॉस चेक इट ठीक है 142 इज द आंसर ऑफ दिस सम फंक्शन ओके यस मैडम यस नहीं 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 S2 लगा सकते थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी ठीक है बट बात ही हो नहीं 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 आपका मैं हमेशा ये बात याद रखना कि आपका एक ही कॉलम में कैलकुलेशन हो पाएगी ठीक है आप एक साथ मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि आप ना मतलब इन सब की कैलकुलेट ऐसे बोल दो ना कि ये सारा एक साथ सिलेक्टेड है तो इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे है ना इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग इसको कैलकुलेट रोज जैसे हाँ 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 बिल्कुल 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 लेट अस सी आप चाह रहे हो 589 और 67 को कैलकुलेट करना राइट तो लेट अस सी इसमें आंसर क्या आता है ओके सम आई एम पुटिंग हियर सम ठीक है अब यहां पर आपको स्टार्टिंग से लेट मीस क्या लेना है बी व्हाट शुड बी आई एम नॉट यस वेरी गुड एंड व्हाट शुड आई राइट इन बिटवीन इज टू वेरी गुड एंड देन वॉट आई हैव टू राइट अगर आप चाहते हो कि आप 67 तक का सम कर रहे हो देन वॉट शुड आई राइट जेड वेरी गुड ओके तो अब आप इसमें एंटर प्रेस करो देखो इन सबका सम निकाल के देखो 589 और 67 का क्या सम आ रहा है कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर लो 161 ही आएगा ठीक है तो आप उसको रोज में भी कर सकते हो बट अगर आप बात कर रही हो कि मैंने क्वेश्चन ये समझाया था कि आप इन सबको कैलकुलेट करना चाह रहे हो एक साथ तो वो कैलकुलेट नहीं होगा या तो आप पूरा एक कॉलम का करो या फिर पूरा एक रो का करो अगर आप चाह रहे हो कि इन सबका कैलकुलेट एक साथ हो जाएगा तो वो कैलकुलेट नहीं होगा मैं आपका क्वेश्चन ऐसा समझी थी ठीक है नाउ इज इट क्लियर टू यू यस और नो इन सबका कैलकुलेशन आप करके देख लो कैलकुलेटर में 161 ही आएगा ठीक है सो दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड सम फंक्शन ठीक है नाउ वी आर यूजिंग मैक्स फंक्शन नाउ व्हाट डू यू मीन मैक्स फंक्शन इन मैथ्स मैथ्स में आपने पढ़ा होगा मैक्स 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 का मतलब क्या होता है मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम ठीक है इफ आई वांट टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन दिस रेंज
ठीक है, मुझे अब ये फाइंड करना है कि यहाँ पर मैक्सिमम फंक्शन मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मतलब मैक्सिमम नंबर कौन सा है अपनी रेंज के अंदर. ठीक है, तो मैंने अपना रेंडमली, तो मुझे पता है आंसर इसका 142 है, मतलब मुझे तो अंदर से पता है, बट इफ यू वॉन्ट टू क्रॉस चेक इट फ्रॉम हेयर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब मैं अपना चाह रही हूँ अपना रिजल्ट इस वाले ब्रैकेट पे लेकर आना. ठीक है, तो नाउ टेल मी व्हाट शुड आई राइट इन द B63, अगर मुझे अपना मैथ फंक्शन कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू देन व्हाट आई शुड राइट. मैंने आपको सारी हिंट दे दी. Equal to max. Very good. Very good. Very good. Max. First we have to write. Then I have to open the bracket. Then what I have to write? B. 55. Very good. Very good. Then I have to put between. What I have to put here? Ratio. Very good. And then what I have to put? अगर मुझे 61 तक का max function निकालना है, तो what should I write? B. B. 61. Very good. Okay. And then I'm closing the bracket. Now I'm pressing enter. Now you can see that 142 जो कि सबसे maximum number था, वो हमारा इस bracket के अंदर आ गया है. अब आप बोलोगे कि मैम ये तो नीचे लिखा था, ये दोबारा यहाँ पे कैसे आ गया. तो ठीक है, मैं इसका नंबर यहाँ चेंज कर देती हूँ. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 899. मैंने मतलब 999 कर दिया. ठीक है, नाउ लेट अस कैलकुलेट द मैक्स फंक्शन. यहाँ पे पहले से फॉर्मूला लिखा हुआ था, बट आई एम चेंजिंग इट राइट नाउ. I'm making it minimum. यहाँ पे maximum कर रही हूँ मैं. ठीक है, now see कौन सा cell select होके आएगा हमारे पास. ठीक है, अब आपको अंदर से पता है कि यहाँ पे max function कौन सा है. Let us change it. Yeah. तो now if I want to calculate here, so what should I write over here? अब मुझे दोबारा बताओ, मुझे max function निकालना है तो क्या लिखूँ मैं वापस. Equals to max. Very good. Then I what I should write? B55, very good. Then B60, very good. And then I have to close the bracket. ठीक है, तो अब आप अपना अपना आंसर बताओ. मैं एंटर प्रेस नहीं कर रही हूँ. आंसर क्या आना चाहिए आपको यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर क्या आना चाहिए? यस, जो चार बार 9 लिखा हुआ है वो आंसर आना चाहिए इसके अंदर. नाउ प्रेसिंग. Yes, yes, yes. Very good. So I'm pressing the enter now. You can see that this is the maximum number of this range. It is clear to you? Yes or no? अब आप चाह रहे हो, मैंने इस नंबर को हटा रही हूँ मैं यहाँ से. I'm deleting it. Okay. Let us delete this number. I'm not applying the formula. अब मैं चाह रही हूँ मेरा रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाए अपने आप. ठीक है, कौन से सेल में? B69 में. तो अब बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर. B70 में चाह रही हूँ अपना रिजल्ट, तो क्या लिखना चाहिए मुझे? B इक्वल्स टू मैक्स. लाइक नाउ टेल मी व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर. B55 एंड B60. ओके, यस, नाउ यू कैन सी B55 आई एम राइटिंग एंड B60 आई एम राइटिंग. ठीक है, एंड आई एम क्लोजिंग द ब्रैकेट. नाउ अब आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी, मेरा रिजल्ट कौन से उसमें आ जाएगा, सेल में B70 सेल में आ जाएगा. ओके, B70 में मेरा रिजल्ट आ जाएगा. प्रेसिंग द एंटर. नाउ यू कैन सी दैट जो चार बार 9 लिखा हुआ था वो कौन सी सेल में आ गया है जहां पर मैंने अपना कर्सर रखा था. सो हमेशा ये चीज याद रखना, म्यूट योर माइक, इसे हमेशा याद रखना कि जहां पर भी आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वहां पर आपको क्लिक करना है. ठीक है, अपने माउस से वहां पर जाके क्लिक करना है और वहां पर आपको अपना लिखना है फॉर्मूला. ओके, इज इट क्लियर टू यू? So this is how we have completed the max function also. Now the another function is average function. अगर मुझे चाहिए अपना एवरेज निकालना है मुझे इस रेंज का और मुझे अपना आंसर निकालना है इस सेल में 65 में, तो टेल मी द फॉर्मूला व्हाट शुड आई राइट ओवर है. अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा एक मिनट. पहले मेरा क्वेश्चन पूरा सुनो. मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना B55 से देखिए B59 तक का एवरेज निकालना है मुझे. ठीक है, दोबारा सुन लो, B55 से B59 तक का एवरेज निकालना है, तो व्हाट शुड आई राइट? इक्वल टू, नाउ यू कैन स्पीक. एवरेज, वेरी गुड. देन ब्रैकेट, वेरी गुड. What should I write? B55. Then B. And B. Very good. Very good. Why I'm not writing B60? Because मुझे 60 तक का चाहिए ही नहीं एवरेज. मुझे कौन से सेल तक का चाहिए एवरेज? मुझे 36 तक का चाहिए एवरेज. तो मैं 36 का सेल एड्रेस सेलेक्ट कर रही हूँ. तो वॉट इज द सेल एड्रेस ऑफ 36?
B59. So that's why I'm writing over here the B59. Okay? Now I'm pressing enter. Now you can see, अब अपना कैलकुलेटर अपने साथ रखो और इनका एवरेज कैलकुलेट करो. 5 + 6 + 8 + 4 + 9 + 36 का क्या फॉर्मूला होता है मैथ्स में? क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज इन मैथमेटिक्स? यस, वेरी गुड. 2 या फिर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच आर देयर? बेटा 2 से डिवाइड करते हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स? टोटल नंबर ऑफ, यस, वेरी गुड. 2 से डिवाइड नहीं करते. यस यस यस, हम लोग जितने नंबर ऑफ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर लिखा है 5 + 6 + 8 + 4 + 9 + 36, इसको आप किससे डिवाइड करो? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड करो, आपका यही आंसर आएगा 2010.8. ठीक है, आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो. सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द एवरेज ऑल्सो. इज इट क्लियर टू यू, यस और नो? प्लीज टेल मी वर्बली. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट. ठीक है, COUNT, काउंट. ठीक है, काउंट करने के लिए अब आप, मैं यहां से चाह रही हूँ मेरी काउंटिंग 5 से लेके 78 तक लिखना चाह रही हूँ. ठीक है, अपने सेम फंक्शन में I'm रिमूविंग इट एंड I'm राइटिंग अ न्यू फॉर्मूला, दैट इज ऑफ काउंट, COUNT. ठीक है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट फ्रॉम B55 to B60. ठीक है, नाउ लेट अस सी द रिजल्ट, क्या रिजल्ट आता है. नाउ यू कैन सी हियर द नंबर इज 6. व्हाई इट इज 6, टेल मी प्लीज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? काउंट का क्या मतलब होता है? COUNT, काउंट. बिकॉज़ नो, रोज नहीं बेटा, रोज से नोट नहीं करेंगे. बिकॉज देयर आर 6 नंबर्स इन अ पर्टिकुलर कॉलम. यहाँ पे इस कॉलम में आपको 6 नंबर्स ही दिख रहे हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने अपना कौन सा, कहाँ से स्टार्ट किया फॉर्मूला, B55 से लेके B60 तक फॉर्मूला लगाया. वो क्या फॉर्मूला था? COUNT. कितने नंबर है यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पे क्या आंसर आया मेरा? 6 आ गया. नाउ लेट अस कैलकुलेट फॉर दिस रो, सॉरी दिस कॉलम. ठीक है, मैं अपना रिजल्ट चाहती हूँ इस वाले में. नाउ टेल मी व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? इक्वल टू, यू विल बी टेलिंग नाउ, आई विल नॉट बी. इक्वल टू काउंट, वेरी गुड. देन Y 55, very good. Then Y, no beta, I want to calculate for yes, very good, 58. Why I've written Y 58 over here? Y 58 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर? Just because, क्योंकि मुझे अपना Y 58 cell address तक अपना count calculate करना है. तो आप अपना गॉबली आंसर बताओ, क्या आंसर आना चाहिए इसका? मैं एंटर प्रेस नहीं कर रही हूँ, वरना आप आंसर देख ही लोगे फिर. 4, very good. Now I'm pressing the enter. Mute your mic please. Now I'm pressing enter. And now you can see the answer. 4 is there. Okay, this is the required answer. Now I'm writing here 89, 78, 70. Okay, I'm writing this. ठीक है. Now what should be the answer of this? अगर मैं यहाँ से calculate करती हूँ यहाँ तक का, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? दोबारा लिख रही हूं मैं, इक्वल टू काउंट. नाउ टेल मी द सेल एड्रेस, व्हाट शुड आई राइट? बेटा अपना सेल एड्रेस बताओ बेटा मुझे. सेल एड्रेस 8855 बेटा, 55. और फिर 8860. अब मुझे बताओ कितना इसका? 4, very good. So I'm pressing enter and you can see the desired result. You can see the desired result. The answer is 4. So that's how we have completed here the today's 4 function. Now I'm sharing the PDF file. Okay, wait a minute. Is it clear to you all the 4 functions? आज मैंने कौन-कौन से 4 functions बताए हैं? Repeat करो एक बार मेरे को सारे functions. Don't go from here. अभी मैंने पढ़ाना बंद नहीं किया है. ओके, डिवीजन बेटा, डिवीजन, लिसन, डिवीजन एक फंक्शन नहीं है. डिवीजन तो कल वाले टॉपिक का पार्ट था. ओके, तो आपको अब मुझे बताने हैं कि आज मैंने कौन कौन से फंक्शंस पढ़ाए हैं. ओके, डिवीजन बेटा फंक्शन का नेम नहीं है, दोबारा सुन लो. डिवीजन फंक्शन का नेम नहीं है, फंक्शन की नेम यू कैन सी ऑन द स्क्रीन.
You can see on the screen, today we have completed sum function. Today we have completed average function. Today we have completed count function. Today we have completed max function. Now one more function is there, that is minimum function. वो भी अभी कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये session है वो ज़्यादा बचेगा नहीं, ठीक है? अभी मैं उसे screen share करके बता देती हूँ minimum function, ठीक है? So it will be easier for you to practice all these functions. घर पे practice कर लेना आज सारे, ठीक है? अब मैं minimum function के लिए screen share कर रही हूँ, spreadsheet वाली. Minimum का मतलब क्या होता है? Yes बेटा, हमने max पढ़ा है, average function पढ़ा है, count function पढ़ा है और एक sum function, चार function पढ़े हैं. Okay, now we are doing minimum function. Okay, for that I'm sharing the spreadsheet again. Now tell me, what do you mean by minimum? अगर मैं इन सब का minimum value calculate करना चाहती हूँ, five से लेके हाँ, तो इसमें minimum value क्या आनी चाहिए? What should be the answer? क्या answer आना चाहिए इसका? 5, very good. तो अगर मैं चाह रही हूँ अपना कि सेल एड्रेस इसके अंदर कैलकुलेट करना, कौन से सेल एड्रेस में, B64 में मैं अपना रिजल्ट चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँ? टेल मी, व्हाट शुड आई टाइप ओवर हियर? इक्वल टू, ओके ओके ओके, B55 रेशियो B60, वेरी गुड, एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? तो अब आप अपना ग्लोबली आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है, अपना क्या आंसर आना चाहिए? 5 शुड बी देयर, बिकॉज 5 क्यों आना चाहिए? व्हाट इज द रीजन बीइंग द आंसर शुड बी 5? बिकॉज क्योंकि 5 इज द मिनिमम वैल्यू है. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द आंसर इज 5. ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट फॉर दिस, वॉट शुड आई राइट ओवर हेयर? अगर मुझे इन सबका मिनिमम निकालना है इस वाले सेल एड्रेस में, टेल मी द फॉर्मूला, वॉट शुड आई राइट? इक्वल टू MIN, मिन, वेरी गुड, देन AA, देन, वेरी गुड, वेरी गुड, देन वॉट इज द एंडिंग सेल एड्रेस? AA 62. Very good, very good, very good. Then I'm pressing enter. Now what should be the answer? अभी मैंने enter press नहीं किया. What should be the answer of this? 4. Very good. Now I'm pressing enter. Now I'm pressing enter. You can see the answer is, what is the answer? 4. Very good. Because इस पूरे वाले column में, पूरे column में क्या answer, सबसे minimum value क्या है? 4 है. So today we have completed how many functions? Today we have completed the max function. Today we have completed the minimum function. Okay. Today we have completed the sum function. Today we have completed the count function. Today we have completed the average function. So in overall, how many functions we have covered today? Please tell me. 5 functions. Yes. We have completed in overall as 5 functions. Okay. From tomorrow, we will be starting up with using auto sum. And today, I will be giving the homework. ठीक है, उसमें 5 to 6 questions हैं. There is no need to worry. ठीक है, and you will be doing it as today's homework. उसको आज के homework में करोगे आप. ठीक है, so now you can leave the class. आज का topic, अगर कोई भी problem हो, you can ask me the queries if you have. If you don't have, then you can leave the group.